तो आप बात करेंगे दानापुर के फक्कर मेहतो घाट की। तो इस घाट का निर्माण तो बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है, पर प्रशासन और नगर परिषद के तरफ से वर्ती महिलाओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो संवाददाता सागर कुमार ने महिलाओं से बातचीत किया और जानकारी मिली कि इतनी महिलाओं की मौजूदगी के बावजूद लाइट की संपूर्ण व्यवस्था नहीं की गई है, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी नहीं है, महिलाओं के कपड़ा बदलने हेतु चेंजिंग रूम और वॉशरूम या शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की नव निर्वाचित सांसद मीशा भारती महिलाओं से मिलने के लिए तमाम घाटों पर पहुंची। करी है, क्या नाम है? तारा देवी। कहाँ से आई हैं? यहीं दानापुर से। क्या पूजा करने आई हैं? हाँ। क्या दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत है, गंदा है बहुत, घाट किनारे गंदा है, साफ सुथरा कीजिए, पूरा गंदा है, दम मोटा उटा सब साफ कराइए, पानी से धोलाइए, तब ना आदमी ठंडाएगा। यह घाट के साफ रख, जनता लोग के जय जय कर, पानी उनी की व्यवस्था कर, रहे वाला का। हाँ हाँ निजाला, हाँ 24 घंटा का। किस लिए किया जाता है? किसके लिए? सब को लोग का, अपना सब परिवार के लोग, जनता लोग के लिए, सब लोग के लिए, सबके सुख संपत्ति। हाँ सब के लिए, कि सबके दीजिए, हम कुछ दीजिए, आनंद रखिए। हाँ सबको के भला मेरा भला। यहाँ सुविधा ठीक नहीं है? वही है कि देखिए कंधा कितना है। निर्जला व्रत में अभी हैं पूरा 24 घंटा? हाँ, पानी भी नहीं पिए? नहीं पिए। अच्छा अच्छा, क्या कोई समस्या भी हो रहा है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, गीत गाना ये सब हो रहा है, आप क्या होगा? गीत गाना है रात से। हम लोग बगले से आए, गोलापुर से। अच्छा मंदिर। किस लिए आएंगे? हम लोग एकादशी की हुए थे, इसलिए गंगा सेवन करने आए हैं। रात भर यही रहना? हाँ रात भर यही रहना है। निर्जला व्रत में? एकदम निर्जला, कुछ नहीं। के बाद भी पूरा चेहरा राम टनाटन है, हम गंगा मैया के कृपा है, राम जी के कृपा है। हाँ। सब सब लड्डू गोपाल की कृपा है, सब भगवान के कृपा से, को पत्ता भी नहीं होता है बिना भगवान के कृपा के बगैर। मीशा भारती भी